सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। साथ साथ उन सभी साथियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि गुणा की आज फिर से एक नई विधि लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और प्रतियोगी परीक्षाओं में गुणा भाग ये जो नियम हमारे अगर अच्छे रहते हैं तो हमें गुणा करने में आसानी होती है और कम समय में हमारी बड़ी बड़ी गुणा हो जाती है। इन गुणा के माध्यम से ये छोटे छोटे तरीके जब सीख लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से बहुत अच्छी तरीके से गुणा कर सकते हैं। तो आज ये गुणा की जो विधि है इसको वैदिक गणित की ही ये विधि है गुणा करने की, इसको बोलते हैं अंत योर दशकेप विधि है। इस विधि में गुणा कैसे करेंगे ये समझने के लिए आप बहुत सरल विधि है गुणा करने की और बहुत बड़ी बड़ी गुणा बड़ी आसानी से हो जाएंगी। क्या इसमें रहेगा, दहाइयों का योग 10 हो और इकाइयां समान हो तो हम बड़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं। जैसे देखें, दहाई 6 4 कितनी है 10, 6 4 24 और इकाइयां कैसी हैं समान, 2 2 4। अब चूंकि यहाँ पर 2 अंक है तो हमको 2 अंक में ही लिखना पड़ेगा, तो हमारी गुणा कितनी आ गई 24 0 4। फिर गुणा करेंगे, जैसे देखें दहाई है इकाइयों कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो 8 2 कितना हो गया 16, 2 2 4। अब चूंकि 2 अंक हैं तो 2 अंकों में लिखो 4, ये गुणा हो गया। ऐसे मान लिया देखो दहाई का योग कितना आ रहा है 10 आ रहा है, हमको गुणा करनी है तो 7 3 21 और 6 6 कितनी हो जाएंगे 36, गुणा हो गई। ऐसे ही मान लिया हमको गुणा करनी है, देखिए दहाइयों का योग कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 5 कितने हो जाएंगे 25 और 4 4 कितना हुआ 16, ये गुणा हो गई। ऐसे देखिए 6 4 कितना हुआ 24 और 3 3 9, अब क्योंकि 2 अंकों में लिखना तो 0 9। इस तरह से इस छोटे से सूत्र से बहुत सटीक और बहुत जल्दी आप ये गुणा कर सकते हैं। बस दहाइयों का योग कितना होना चाहिए 10 और इकाइयों कैसी होनी चाहिए आपस में समान। तो ये गुणा की नई विधि के साथ आपको ये फिर से मैंने आपको एक नई विधि बताई है गुणा करने की, और आगे जो अगली विधि है इसको भी पढ़ेंगे अभी। तो गुणा करने की अगली जो विधि है इसे बोलते हैं निकलम। तो इसमें गुणा करने के लिए क्या होता है, कुछ पद जो होते हैं वो ध्यान रखने पड़ते हैं। तो ये ध्यान ज़्यादा नहीं रखने पड़ेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी पदों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार गुणा करने से पहले आपको बताना जरूरी होता है। तो निकलम में याद करने, निकलम की जो जब हम गुणा करेंगे निकलम विधि से बड़ी बड़ी गुणा बहुत छोटे और सरल तरीके से गुणा करेंगे, तो निकलम में क्या होता है, आधार हम देखते हैं, आधार की बात करें तो आधार क्या होते हैं 100 10 100 1000 10000 1 1 लाख, इस तरह से एक क्या कहलाएंगे इसके आधार। ये गुणा करने की जो अगली विधि है इसको कहेंगे निकलम विधि। इससे भी क्या है, बड़ी बड़ी गुणा बड़ी आसानी से करी जा सकती हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी गुणा को करने के लिए कुछ पद हमको ध्यान रखने पड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको रटने नहीं पड़ेंगे, जब आप इसको एक बार पढ़ लेंगे और जब गुणा करते जाएंगे अपने आप ये आपकी हैबिट में शामिल हो जाएंगे और आपको बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी गुणा कर सकते हैं। तो आधार के इस आधार का शब्द मान, जब आधार बात कही जाए तो आधार का मतलब 100 1000 10 या आधार, उससे संबंधित जैसे मान लिया 20 है 30 है 200 है 300, ये क्या कहलाएंगे उपाधार कहलाएंगे। विचलन कहीं शब्द आता है, विचलन का मतलब है कोई संख्या आधार से कितनी अधिक है कितनी ज़्यादा है, जैसे 9 का आधार क्या 10 है तो इसका विचलन क्या है -1, क्योंकि आधार से क्या है एक कम है। ऐसे 12 है, इसका आधार कितना है 10, तो इस ये आधार से 2 ज़्यादा है तो इसका विचलन कितना हो गया +2। 23 ये इसमें आधार 10 है, उपाधार कितना है 20, देखिए 10 20। और इसका विचलन की बात करें तो ये क्या है, आधार से कितनी ज़्यादा है उपाधार से कितनी ज़्यादा है +3 ज़्यादा है। ऐसे 98, अब इसका विचलन की बात करें तो आधार देखें इसका कितना है 100 और कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है आधार से 2 कम है। तो इस तरह से हम इनका क्या लिख लेते हैं, 2 अंकों में लिखेंगे, मान लीजिए 98 ये हो गया 02, तो इनका 2 क्या हो गया, इसका विचलन हो गया। अब क्या करना है, इस निकलम विधि से, निकलम सूत्र से
अब आपको गुणा करनी है। तो कैसे गुणा करेंगे? तो निकलम से गुणा करेंगे। अभी आपको निकलम के हमने कुछ पद आपको बताए थे, आधार उपाधार विचलन। तो निकलम से गुणा करना कितना आसान होता है, देखिए क्या करेंगे। ये संख्या आपकी है, ये 12 है, इसका देखिए 12 विचलन कितना है, 2, तो प्लस का 2 विचलन हो गया 12, ठीक है। 14 है, इस संख्या में विचलन कितना हुआ, प्लस का 4। अब देखिए गुणा कैसे करते हैं, 4 दूनी कितने हुए, 8 हो गए। एक एक अंक है तो यहाँ भी एक ही अंक रहना चाहिए, गुणा भी प्लस की। अब इधर क्या करते हैं, चाहे ये 2 इसमें जोड़ दीजिए, चाहे 4 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे, 16। तो ये हो गई 168, क्या हो गई आपकी, इस गुणा हो गई। ऐसे मान लीजिए इसको करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 15 है तो विचलन कितना होगा, प्लस 5। 17 है विचलन कितना हो जाएगा, प्लस 7, ठीक। अब 7 पंजे कितने हुए, 35, पहले इनको देख लीजिए, 7 पंजे हुए 35। और इधर इनको चाहे 5 इसमें जोड़ दीजिए, चाहे 7 इसमें जोड़ दीजिए, तो 7 17 5 कितने होते हैं, 23, ठीक है, 22। और चाहे तो 15 7 22 कर लीजिए, कोई किसी में जोड़ सकते हैं, तो ये हो 22। लेकिन करेंगे क्या, ये जो यहाँ पर 35 के 5 देते हैं हासिल लगे, 3 ये 3 इसमें जुड़ जाएंगे, तो 3 जब इसमें जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 22 के कितने हो जाएंगे, 25। क्या हो गई ये गुणा। तो अगली विधि हमारी है सूत्र निकलम। आपने सूत्र निकलम लगाने के लिए आधार उपाधार और विचलन ये सब आपको बता चुके हैं। तो इस विधि को लगाने के लिए कुछ पदों का ध्यान रखना पड़ता है, और विधि बहुत ही आसान है और गुणा बहुत ही सरलतम तरीके से आप कर सकते हो निकलम विधि से। मैंने ये विधि है गुणा करने की। कैसे विधि, कैसे इसमें गुणा करते हैं, जैसे 12, ठीक। अब 12 में देखिए इसका विचलन कितना है, 10 से 2 है, प्लस 2। ऐसे 14 में देखिए विचलन कितना है, प्लस 4 है। अब हमको गुणा करनी है, कैसे गुणा करेंगे आप, इस विचलन की गुणा करिए, कितनी बनी, 8। और इधर चाहे 14 में 2 जोड़ो, चाहे 12 में 4 जोड़ो, कितने हो गए, 16। ये गुणा होगी आपकी 168। ऐसे मान लिया हम इसकी गुणा करेंगे, तो 15 प्लस 5 विचलन 5 का ही है, और इधर 17 प्लस 7 विचलन 7 का है, गुणा करनी है, 7 पंजे 35। ध्यान रखना ये सभी संख्याएं जैसे 15 है, 17 है, 12 है, 14 है, आधार किसके निकटतम है, 10 के निकटतम है, तो इसीलिए यहाँ पर एक अंक ही आपका लिखा जाएगा, इकाई वाले जब अंकों की गुणा करेंगे, विचलन की जब गुणा करेंगे। तो 7 पंजे 35 हो गए, 35 के 5 हासिल कितने लगे, 3। अब इधर देखिए चाहे 15 में 7 जोड़िए, चाहे 17 में 5 जोड़िए, कितने आएंगे, ये आ जाएंगे 22। लेकिन ये 3 जो है, ये जो हासिल हैं वो 22 में जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 25, ठीक। इस तरह से गुणा करनी है आपको। अब इधर देखना है आपको ये, अब इसमें ये 8 है, अब 8 है तो विचलन कितना है, माइनस में जाएगा, क्योंकि 10 से 2 कम है। हम आधार देखते हैं, आधार अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो विचलन हमको पहले पता लग जाएगा। अब 13 है, 13 में विचलन कितना है, प्लस का 3 है, गुणा करनी है, तो गुणा करें कितनी आएगी, माइनस की 6 आएगी, ये कम है तो इसलिए माइनस में लिखना आपको। और इधर चाहे तो आप ये 2 इसमें क्या करिए, घटा दीजिए, चाहे 3 इसमें क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, प्लस करना है तो 3 जोड़ेंगे तब भी 11, 2 घटाएंगे तब भी 11, तो ये बन जाएंगे 100, इस तरह बन जाएंगे। लेकिन अभी ये माइनस के 6 को प्लस करना है, तो आप जानते हैं आधार कितना होता है, एक अंक की संख्या आधार कितना हुआ, 10 है। अब 10 में से 6 घटा दो, तो 10 में से 6 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। अर्थात यहाँ पर जो संख्या जो आपकी है, जो 116 जो आपने लिख रखे हैं, 116 ना होकर कितने होंगे आपके यहाँ पर, 104। इस तरह से विचलन जो होता है, ये इस अंक को देख लें, ये 10 के करीब है तो इसको हटा देंगे, और विचलन कितना हुआ हमारा, 100, गुणा कितनी बनकर आई, 104। इस तरह से हम विचलन को स्ट्रीमिंग संख्या के माध्यम से ऐसे इसको करते हैं, इस वाले सवाल को। तो यहाँ पर 104, ठीक है, अब 104 में लिख लिए। अब क्या करना है इसमें, 104 में अब चूंकि ये 100 के निकटतम है, तो यहाँ पर 04 लिखेंगे, 107 ये भी 100 के निकटतम है, फिर आधार 100 के ना जाएगा, तो 07 लिखेंगे। अब 7 चौक कितने हुए, 28, कितने हुए,
चार चौक 28, चूंकि 100 के निकटतम है तो अब दो अंकों में यहाँ पर संख्या लिखी जाएगी, लिख दिया 28। अब इधर क्या करना है, 7 जोड़ो चाहे इधर उसमें 4 जोड़ो, तो कितने हो जाएंगे ये 111, 7 4 11 होते हैं 111, ये संख्या बनेगी, गुणा आ गई 1128। तो इस विधि से जब आप गुणा करेंगे तो आधार पता होना चाहिए, हम बता चुके हैं आपको आधार क्या होता है, और आधार के निकटतम विचलन कितना होता है ये भी हम आपको समझा चुके हैं। तो विचलन आधार आपको पता है तो आप आसानी से इस विधि से संख्याओं की गुणा कर सकते हैं। तो निकलम सूत्र से गुणा करी थी, कुछ प्रश्न हमने और लिख दिए ताकि आपको निकलम की जो विधि है गुणा करने की वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे मान लिया हम इस पद की गुणा करें, यहाँ पर देखें जैसे 101 है, 101 तो इसका विचलन 1 हो जाएगा, 187 है ठीक है, तो इसका विचलन हम प्लस 87 लिख लेते हैं, चाहे तो हम माइनस करके वो माइनस वाला भी विचलन ले सकते हैं, जब प्लस में हो जाए तो हम प्लस में आसानी से कर सकते हैं, प्लस वाला लिख लिया हमने। जब देखें इनकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ो या इधर 87 जोड़ो तो कितने बन जाएंगे 188। ये हो गई आपकी 188 और 87, ये क्या हो गई आपकी गुणा हो गई। ऐसे मान लिया हम इस क्वेश्चन को करें, यहाँ विचलन देखें किसके निकटतम है, इस 100 के निकटतम है, तो विचलन देखें कितना हो गया, नेगेटिव मिलेंगे माइनस मिलेंगे, मतलब ये 97 तो विचलन हुआ माइनस का 3, 88 तो विचलन कितना ले लेंगे हम, इसमें विचलन हो जाएगा माइनस का 12, कितना हुआ माइनस का 12, 12 तीन 36 कैसे आएंगे प्लस में आएंगे, तो यहाँ माइनस लगाने की ऊपर जरूरत नहीं, माइनस लगा देते थे वो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर ये 12 या तो इसमें घटाओ या तो 3 इसमें से घटा दीजिए आप, तो आप 12 घटाएंगे या 3 घटाएंगे ठीक है, उसके बाद आपको जो संख्या मिलेगी तो क्या मिलेगी देखिए, 3 घटाइए कितना बच गया 85, 36 क्या हो गई इस संख्या की पूर्ण। थोड़ा ध्यान इधर देंगे, 98 है तो विचलन देखें कितना हो जाएगा, 100 के निकटतम देख लीजिए तो विचलन हमारा हो जाएगा माइनस का 2 हो गया, 123 है तो 123 में प्लस वाला लिख लीजिए, प्लस का 23 विचलन हो गया, गुणा करेंगे तो माइनस 23 दूनी कितना होता है 46 होता है, लेकिन ये निगेटिव है तो आप निगेटिव ऐसे लगा के लेना, अब चाहे 23 इसमें जोड़ो चाहे 2 इसमें से घटाओ, तो जब आप घटाएंगे इसमें से 2 घटाएंगे तो मान लिया 23 में से 2 घटे कितने बचे 131, तो संख्या आपकी कितनी बन गई 121 40, लेकिन ये निगेटिव वाला माइनस वाला पर हमको घटाना पड़ता है, तो ये किसके निकटतम है 100, 100 का मतलब 146, 100 का मतलब क्या हुआ 140, अब 146 है तो किस उपाधार के निकटतम है, ये 200 के निकटतम है, तो हम क्या करें 140 को घटा दो 200 में से, कितने बन जाएंगे आपके 54, तो कुल मिला के जो सही आंसर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 0 54 हो गई गुणा। इधर ऐसे इसको करेंगे तो देखिए इसका विचलन कितना बन रहा है, किसके निकटतम है 1000 के निकटतम है, 9 9 8 तो ये विचलन हुआ माइनस का 2 ठीक है, ध्यान रखना कितना हुआ माइनस का 2, लेकिन 1000 जब आधार लेंगे तो अंक कितने जीरो कितने होते हैं 3 होते हैं, तो 3 होते तो हम यहाँ पर जब विचलन दिखाएंगे तो 3 अंकों में ही दिखाएंगे, ऐसे ही 89 है तो 11 हुआ, हुआ 11 तो ये भी 3 अंकों में दिखाएंगे ठीक है। आपस में क्या करनी है, गुणा करनी है, कैसे करेंगे विचलन, विचलन की गुणा करो तो 11 दूनी 22, लेकिन 3 अंकों में दिखाओ तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, इधर इसमें से 2 घटाओ या 11 इसमें से घटाओ, तो आप जब इसमें से 2 घटाएंगे तो कितने बन जाएंगे 988, तो टोटल गुणा कितनी आ गई 988 002, इस तरह से 987 कितने बचेंगे 88 नहीं बचेंगे, 2 घटाएंगे यहाँ पर कितने बचेंगे 87, तो इस तरह से ये गुणा हो गई आपकी 987 002। तो गुणा की जो विधियाँ हैं ये आपने नई नई पढ़ी है, पहली बार पढ़ी है वैदिक गणित की, तो ये और भी सरल आपको लगने लगेगी जब आप इसी विधियों से अपनी हैबिट में शामिल कर लोगे गुणा करने की विधि, तो आप और सरल लगने लगेंगी और गुणा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस इतनी उपयोगी विधियां हैं क्योंकि परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन में जब देने जाते हैं उन कंपटीशन में गुणा बड़ी बड़ी आती है, तो अगर आप
साधारण विधियों से अगर गुणा कर रहे हैं आप, तो आपको बहुत समय लगेगा गुणा करने में। जैसे मान लिया आपको इस तरह से गुणा करना हो, ठीक, और कोई भी प्रतियोगिता होती है उसमें सेकंडों में गुणा करने की जरूरत पड़ती है कि कम समय होता है, जल्दी गुणा करनी पड़ती है। तो अब इस तरह की गुणा आप डायरेक्ट करेंगे उस तरह से बहुत समय लगेगा आपको। तो क्या है, निकनम की सूत्र का जो इस्तेमाल करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे और गुणा आपकी आसानी से होती चली जाएगी। तो ऐसे ही नई विधियों के साथ गुणा करने की अन्य विधियाँ भी हैं, वो भी हम आपको इसी तरह से बताते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को आप लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, जिससे अभी गुणा कर वैदिक गणित का पूरा जितना आपका संक्षेप में जो भी गुणा भाग जोड़ घटाव घनमूल वर्गमूल सरलतम विधि से जितनी निकल सकती हैं वैदिक गणित से, वो सब विधियाँ हम आपको बताने वाले हैं। इसी तरह से हमारा ये चलता रहेगा।